चलते हैं सबसे पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। ठीक है, आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे आएंगे pmkisan.gov.in पर, उसके बाद न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करते ही यहाँ पर आपको आपके सामने खुलकर आ जाएगा ये पेज, जिसमें यहाँ पर शो करेगा इंटर आधार नंबर। तो आप अपना आधार नंबर, जो भी किसान है वो अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको शो कर रहा है कैप्चा, कैप्चा कोड आपको फिल करना है। कैपिटल होगा तो कैपिटल में, स्मॉल होगा तो स्मॉल में आपको फिल करना है। ठीक है, अब ये कैप्चा और मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया है। उसके बाद में हम क्लिक हियर टू कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब ये आपको एक पॉपअप शो हो रहा है pmkisan.gov.in/ रिकॉर्ड नॉट फाउंड विथ गिवन डिटेल्स, मतलब कि अभी ये रिकॉर्ड रजिस्टर नहीं हुआ है। तो अब इसमें आपको करना क्या है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड विथ गिवन डिटेल्स। तो अगर आप अर्बन से शहरी से हैं तो आप शहरी पर क्लिक कीजिएगा, अगर आप रूरल से ग्रामीण से हैं तो ग्रामीण पे रूरल पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यस कर दीजिएगा, अगर नो करेंगे तो आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल चुका है। इसके बाद में फॉर्म फार्मर पर्सनल डिटेल्स मैंडेटरी, जितने भी आपको रेड स्टार दिख रहे हैं ये सब आपको कंपलसरी भरना ही भरना है। सबसे पहले आप क्या चूज करेंगे, सबसे पहले आप अपना स्टेट चूज करेंगे। यहाँ पर मैंने अपना स्टेट चूज कर लिया है। इसके बाद आपको चूज करना है अपने डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद आपको चूज करना है सब डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है आपके तहसील, जहाँ भी लगती है उसे आप चूज करेंगे। आपको सेलेक्ट करना है अपना ब्लॉक, विकास खंड जिसे बोलते हैं, तो विकास खंड यहाँ पर चूज कर लेंगे। इसके बाद अपने गांव का नाम, जो भी ग्राम पंचायत है आप अपना गांव। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक विलेज चूज कर लिया है। अब यहाँ पर आप डालेंगे अपना नाम, जैसे मैंने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे, मेल या फीमेल, और कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, जो भी हो। और फॉर्मर टाइप में आप सेलेक्ट करेंगे आपके पास कितने हेक्टेयर ज़मीन है। ठीक है, अगर 1 से 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो आप अदर पर सेलेक्ट करेंगे, और इस अगर आपके पास 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर है तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे। आपका आधार आईडी, आधार कार्ड इसमें पड़ चुका है, आधार नंबर भी इस पर पड़ चुका है। अब आता है आईएफएससी कोड। ठीक है, आपके अकाउंट का जो भी होगा आईएफएससी कोड यहाँ पे डाल दिया है। आईएफएससी कोड, आईएफएससी कोड जैसे ही डालेंगे आप तो यहाँ पर बैंक के आपका नेम आ जाएगा। उसके बाद आपको डालना रहेगा अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर आप, बहुत ज़रूरी ये चीज़ें हैं कि आप अपना अकाउंट नंबर चेक करके डालिएगा। मैंने यहाँ पर डाल दिया अपना अकाउंट नंबर, और एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा एक ओटीपी। ठीक है, अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे सबमिट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन पर, अब यहाँ पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ जाएगा यस आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये हो गया आपका काम। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना रहेगा, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ चूज करना रहेगा अपना, फिर फादर और मदर नेम, आप अपने पिता या माता का नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपका अकाउंट कैसा है, आपका सिंगल है या जॉइंट है। अगर सिंगल है तो सिंगल पे टिक रहने दीजिएगा, अगर जॉइंट है तो जॉइंट पे टिक कर दीजिएगा। और यहाँ से आप अपने खतौनी का सारा डिटेल यहाँ पर आपको डालना रहेगा, सर्वे या खाता नंबर डालना रहेगा, खसरा नंबर डालिएगा, एरिया कितना है 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर, और यहाँ से ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद आपको आई क्लियरिटी दैट आल द गिवन डिटेल्स आर करेक्टेड प्लीज़ रेड दन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। अब सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना रहेगा लास्ट में, तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे एक फॉर्म आपके कंप्यूटर या मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। You're...